गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या शर्मा ब्लॉग्स। कैसे आप सारे, होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने 2023 के फर्स्ट Q&A के साथ, जो कि मैंने कर डाला था अपने इंस्टाग्राम पे कि आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछो। मेरे साथ होंगी मेरी नानी, जो कि मुझे धोखा दे के भाग चुकी है अपने घर। वो मेरे साथ नहीं बना रही, तो ये ब्लॉग ये वीडियो मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी अकेले, कोई है भी नहीं। हमारा पांडा भी सो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। मैं इसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बट मैंने उसमें से कुछ 15 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो मैंने कभी उसके आंसर नहीं दिए। और प्लीज ये पीछे से जो नॉइज आ रही है ना, इग्नोर करना, मैं तो बहुत दुखी हो चुकी हूँ। आप भी हो रहे होगे, सो इग्नोर करना। माइक मेरा चार्जिंग नहीं थी, उसको पता नहीं क्या वो चार्जिंग उसमें खत्म हो गई है, आई थिंक सो। सो वो चार्जिंग पे है और हम अपना कंठ को 2 मिनट का विराम दे के शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आर Q&A 2023 का फर्स्ट सेशन। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, दी आप अपनी एडिटिंग किस ऐप से करते हो? ओके, सो मैं लैपटॉप से एडिट नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फोन से ही एडिट करती हूँ, और मुझे लगता है फोन से एडिट करने के लिए जो बेस्ट ऐप है मेरे को लगती है वो है VN ऐप, क्योंकि एक तो उसमें फीचर काफी है। फीचर वैसे वीटा में ज्यादा है, बट मुझे वीटा समझ नहीं आती। ओके, बैक टू द टॉपिक। ओके, सो मुझे VN अच्छी लगती है क्योंकि एक उसमें फीचर ज्यादा है, सेकंड उसमें बहुत इजीली कट डिलीट हो जाता है। ओके, सो मुझे VN ऐप अच्छी लगती है, और वीटा मेरे को इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि मैं उसमें कट या स्प्लिट करती हूँ, तो उसमें पता नहीं क्यों ऐसे रोबो जैसी मेरी आवाज बिल्कुल ऐसे स्लो मोशन नहीं हो जाता, वैसे हो जाती है। तो फिर मुझे उसमें ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत पानी पानी हो जाएगी अगर मैंने इसको अच्छे से एडिट वेडिट कर लिया, फिर बाद में वो रिजल्ट नहीं मिला। सो फॉर दैट रीजन मैं VN यूज करती हूँ, वीटा नहीं करती। और एक इन शॉर्ट ऐप भी है, आपने सुना होगा, मुझे उसके फीचर ऐसे लगते हैं जैसे कि मैंने किसी एंड्रॉयड फोन से ही एडिट किया हो, उसमें इतने फीचर्स है भी नहीं। ओके, सो इसमें इतने फीचर है भी नहीं, और मैं एज आई टोल्ड यू यूज करती हूँ VN। सो सेकंड क्वेश्चन है, यूट्यूब से कितना कमा लेती हो और यूट्यूब इनकम? सच्ची सच्ची बोलो या झूठ बताऊ? चलो सच्ची बोल देती हूँ, झूठ तो दुनिया बोल ही रही है। ओके, सो सच सच बताऊ, मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है यूट्यूब को यूज करते हुए, और इसकी पेमेंट 15,000 से ऊपर नहीं गई है अभी, और YouTube से मैंने निकलवाई भी नहीं है अभी। और YouTube से एकदम आपको अच्छी अर्निंग आए, ये भी लोगों का वहम ही है कि बस, क्योंकि इस पे जितना आपको पैसा लगाना पड़ता है ना एक व्लॉग या एक वीडियो बनाने में, उससे आधे से भी आधा ही मिलता है आपको। बस जिनके मिलियन होते हैं उनको अच्छा मिल जाता है, वो अलग बात है, बट हाँ यूट्यूब से अभी तक मेरे पास कोई इनकम नहीं आई है, जीरो है। जिस दिन आएगी मैं बता दूंगी आपको, मैं ऑफिशियली बता दूंगी कि हाँ भाई आ गई। मैंने अभी 1 साल की बताई है, मेरी 1 साल की 15,000 से भी ऊपर नहीं टापी है। सोचो अगर मैं 1,000-1,000 भी जमा करती रुपए, तो इससे ज्यादा ही हो जाते। सो या यही है मेरी, अभी तक कुछ आया नहीं है, नील जीरो। ओके, सो अब मुझे लग रहा है लाइटिंग अच्छी आ रही होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर यूट्यूब? ओके, सो मुझे यूट्यूब स्टार्ट करते हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। मैंने जैसे अभी बताया कि मुझे 1 साल हो चुका है, 2021 में मैंने स्टार्ट किया था, और अभी तक मेरे 10-15 ही ब्लॉग आए होंगे मुश्किल से। बट या नाउ आई ट्राई माई 101% कि मैं रेगुलर हो जाऊं। द थिंग इज कि मेरे साथ कोई जाने वाला है ही नहीं। आपने देखा होगा जो ब्लॉगर है वो मतलब निकल पड़ते हैं, गाड़ी उठाई ये उठाई वो उठाई, मुझे चार सोचने में भी आलस आता है। मैं किसी को बोलूंगी फिर जाऊंगी, फिर धूप लगेगी, फिर गर्मी, फिर बाहर का खाना है कि नहीं, 1000 thoughts आ जाते हैं मुझे बाहर जाने के नाम से, पता ही नहीं क्यों। और मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मुझे ऐसे पूरा वर्ल्ड टूर करना है, ऐसे में तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ओके, सो या मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, और 2024 में हम इसका 2 साल कंप्लीट होने पे कुछ अच्छा सा अचीव कर ही लेंगे, होप सो, अगर हम रेगुलर रहे तो। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीदी आप तो इतने बड़े होकर स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम, और अब तो 5 महीने के बच्चों का भी अकाउंट है, तो ये सच बात है? मुझे लगता है मैं ही एक ऐसी पागल थी, ऐसा सोचती थी मैं कि जिसको इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता। ऑनेस्टली बताऊं, ऑनेस्टली मुझे 2019 से पहले मतलब 18 तक तो मुझे पता ही नहीं था कि इंस्टा को चलाते कैसे हैं, और अब जाके मुझे अकल आई है। मतलब आई थिंक सो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुझे
तब मैं चलाती तो शायद मैं यहाँ ना होती। और जब स्कूल की बात बताती हूँ, जब स्कूल में क्लास में बच्चे इंस्टा की 11th 12th में बातें कर रहे होते थे ना, तो मैं उनकी शक्ल देख रही होती थी कि यार ये इंस्टा पे हैं, इनको इतना पता, और मैं अपने आप को डम समझती थी उस टाइम पे। और मैं उनकी शक्ल देखती थी तब, और आज वो शायद मेरी शक्ल देखते हूँ। मतलब ये घमंड में नहीं है, पर हाँ मुझे फील होता था, क्योंकि आप 11th 12th में होते ना तो लोग आपको पोक भी करते हैं कि भाई तेरा अकाउंट नहीं है, ये वो चीजें कहीं ना कहीं कहीं बुरी लगती थी। बट या नाउ आई अचीव समथिंग, मुझे नहीं लगता अब बुरा, वरना मैं इस टॉपिक को छेड़ना चाहती। सो या जस्ट इग्नोर, और बस हम अभी सीख ही रहे हैं इंस्टाग्राम अच्छे से चलाना, बस ऐसे ही प्यार करती रहना। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या दी आप पंजाबी हो या हरियाणवी? सो ये मतलब इतना लोग पूछते हैं ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं एक प्रॉपर, जिसे बोलते हैं ना प्रॉपर प्योर पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी मदर टंग पंजाबी है, इवन दो मतलब मेरा होम टाउन अमृतसर है। तो आज से 2018 तक की बात करो ना, तो 18-19 की बात करो तो हमारे घर में कभी हरियाणवी गाने भी नहीं बजते थे ओकेजन के अलावा। और आज 2023 में ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जहाँ मेरे घर वाले ऐसा हरियाणवी सॉन्ग ना सुने हो जो मैंने बजाया हो, तो उनको सुनना ही पड़ता है। और मतलब अब इतना इंटरेस्ट जो लोगों ने मुझे प्यार दिया हरियाणा वालों ने, सीरियसली मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया, एक नंबर यार। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे इतना प्यार कोई देगा। और बस अब आपको एक काम करना है हरियाणा वालों, बस एक काम कर देना, मुझे हरियाणवी सिखा देना। समझ मुझे आती है, मुझे गाने भी समझ आते हैं, मुझे बोली मतलब कोई बात कर रहा हूँ वो भी समझ आ जाएगी, फर बट मुझे बोली नहीं आती, या कोई प्रॉपर दो मतलब प्योर या किसे बोलते हैं ना टिपिकल हरियाणवी में बात कर रही हूँ, कोई दादियाँ वो नहीं समझ आएगी शायद मुझे, जिसको ठेठ बोलते हैं प्योर हरियाणवी वो बात कर रहे हो वो ना समझ आए, पर हाँ नॉर्मल जो बात करते हैं वो मुझे समझ आती है। सो बस आपको मुझे अब बोलनी सिखानी है। सो यार मेरा कोई हरियाणवी बैकग्राउंड नहीं था, पर अब मैं प्राउड से कहती हूँ कि हाँ यार मैं हरियाणवी क्रिएटर हूँ। आप कहीं जाते हो और मतलब सडनली कोई आपका गाना बज जाए, आपका मीन्स आपने जिस पे रील बनाई हो और वो गाना बज जाए, तो इतना प्राउड फील होता है कि यार इस पे तो हमने रील्स बनाई थी, गाना बज रहा है। सो वो बहुत अच्छी मोमेंट लगती है मुझे। सो या मैं पंजाबी हूँ बट दिल हरियाणा वालों के पास है मेरा पूरा पूरा। ओके ओके ओके, सो ये वाली लाइन मेरे सारे हरियाणवी व्यूअर्स के लिए, हरियाणा वालों के लिए, गलत हो तो उसके लिए पहले ही माफी, सही हो तो कमेंट पे बता देना ठीक है। मैंने बेरा ना था, तुम लोग मैंने इतना प्यार दोगे, दिल से धन्यवाद आप सबका, और न्यूए अपना प्यार मेरे को देते रहो, और न्यूए कच्चे काटने हैं, और अपना आशीर्वाद भी मेरे पे देते रहना, बरसाते रहना, लव यू से सारे हरियाणा वाले ने। होप सो मैंने सही बोला हो, मेरे ख्याल से मैंने सही बोला, कैसा बोला जैसा भी बोला ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ पर यार वो होता ही नहीं है, मतलब कोई सिखाने वाला नहीं है। जैसे हिंदी में वो क ख ग होती थी ना, ऐसी कोई हरियाणा का कोई कायदा वगैरह कुछ बुक वगैरह होना तो यार भेज देना मुझे, लिख के भेज देना। ओके सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था कि दी आपके साथ कभी किसी ने कुछ फ्रॉड किया है? तो हाँ मेरे साथ हुआ है फ्रॉड, और इंस्टाग्राम पे तो बहुत होता है, ये मैं आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो प्रमोशन कंपनीज होती है ना कभी आप उनसे फेस टू फेस मिले नहीं होते, बिसाइड्स कॉल पे बात होती है। तो मेरा भी किसी ने पैसे लेके रखे हुए हैं, बाकी ऊपर वाले को पता है, निकाल ही लेता है वो कैसे ना कैसे करके। तो हाँ मेरे किसी ने पैसे ले लिए हैं, दिसंबर में उसने मेरी पेमेंट करवानी थी रील्स बनाने के टाइम पे, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है ना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, नहीं तो खाली पीली हाइप मिल जाएगी और बेइज्जती हो जाएगी, वरना तो वो अगर ये ब्लॉग देख रहा होगा उसको पता लग जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। ओके सो सीन ये है कि उस कंपनी ने मेरे दिसंबर में पेमेंट थी अच्छी खासी थी, ठीक है दिसंबर की पेमेंट थी अच्छी खासी थी, उन्होंने वो देनी थी मेरी, उसने उस दिन के बाद से मेरी कॉल उठानी बंद कर दी, मेरा किसी भी साइड से रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है। लाइव एग्जांपल दूंगी आप लोगों को, अभी भी कॉल करूंगी उसको, मैं उसका वो नहीं दिखा सकती, बैल जा रही है, नाम नहीं दिखा सकती, पर इतनी नीच लोग होते हैं ना, ये बंदा फोन नहीं उठा रहा मेरा दिसंबर से, और अच्छी खासी है इसके पास मेरी पेमेंट,
मैं क्या बोलूं किसी को। तो हाँ, बस मैं यही कहना चाहूंगी, काट दिया उसका, आप क्या ही कर सकते हैं, हमें काटना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत ट्राई कर सकती हूँ, रोज एक कॉल करती हूँ, रोज एक ढीट नहीं उठाता। सो बाकी वो ऊपर वाला निकलवा लेगा, मुझे इतना पता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस मैं यही कहना चाहूंगी कि हाँ, बहुत फ्रॉड होते हैं, अपना दिल दिमाग सोच समझ के चलाना अगर इस फील्ड में आओ, और अपना फैमिली सपोर्ट भी लेके रखना, बिकॉज इसने जितनी पेमेंट मारी है ना, अगर मैं एक्शन ले सकती हूँ, बट आई वॉज लाइक इसका नाम खराब होगा, नाम खराब होगा, पर नहीं, ऐसे नहीं, लोग भरे पड़े हैं। सो करो रील्स तो पहले पेमेंट ले लो, या एडवांस, मतलब जिसको बोलते हो आप, एडवांस ले लो, या तो फिर जैसी रील्स पोस्ट होगी लिंक दो, पैसे लो, नहीं तो ऐसे फ्रॉड आपके साथ होते रहेंगे। क्योंकि जहाँ आप ये सोचते हो ना, दोस्त 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 बोल के ये काम करवा लेते, पैसे देने के नाम पे ऐसे रोते हैं। सो या बी अवेयर फ्रॉम दीज काइंड ऑफ फ्रॉड इंस्टाग्राम पे होते हैं। तो मैं भी एक का शिकार हो रखी हूँ अच्छी खासी उससे, कंपनी से। बाकी कुछ अच्छे भी होती हैं कंपनीज, नो डाउट, जैसे मेरी बर्मा लेबल है, मैं नहीं देना चाहती इनको हाई, बट हाँ अच्छे होते हैं काफी, बट कई लोग ऐसे भी होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टा से, अभी तक आपको कुछ मिला? सो या मुझे इंस्टा से आप लोगों का प्यार मिला है। बात रही बोनस पॉइंट की, अब बोनस पॉइंट हो रही थी तो वो नहीं, मुझे नहीं मिला, मेरे पास अभी तक वो फीचर ही नहीं आया। फिर लोगों के पास पैसा ही पैसा है, अपनी तो किस्मत ही, मैं कहती ऐसी सी है ना, पूछो ही मत ऐसे से, मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ, मतलब एक पॉइंट के बाद वाले क्रिएटर्स को ना ये बोनस पॉइंट नहीं मिल रहे, मेरे पास तो फीचर आया ही नहीं है, इंस्टा वाला चाहता ही नहीं है कि हम थोड़े से कमा लें। बाकी नहीं, मेरे पास अभी फीचर नहीं है, बट हाँ मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है। प्यार अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है, दोनों अपनी अपनी जगह है, बट मुझे कुछ नहीं आया अभी तक इंस्टा से इस मामले में, इस मामले में बहुत कुछ आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं। उसके लिए आपको रेगुलर होना पड़ेगा, मैं तो नहीं हूं, मैं क्यों ही बोलूं, बट हाँ मैं ये, इसके लिए सिर्फ एक ही होता है कि आपको रेगुलर कुछ ना कुछ रील्स ब्लॉग शॉर्ट्स कुछ ना कुछ डालते रहो कि हाँ आपका अकाउंट फिर एक टाइम पे यूट्यूब लोगों को मतलब ऐसे दिखाता है आपका अकाउंट, फिर ऐसे धीरे धीरे करके ग्रो होगा, फिर लोग आपके पेज तक आएंगे। सो ऐसे ही आपकी रीच और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दी आप इस्कॉन टेम्पल गए और दिल्ली वाले? सो हाँ, मेरे घर के पास में यहाँ पर, मैं बहुत टाइम पहले बहुत जाया करती थी, मतलब जो इस्कॉन जाते हैं उनको पता है वहाँ पे ना खिचड़ी का प्रसाद मिलता था, मैंने बहुत खाया है। जब मैं 11th में थी शायद, मैं बहुत जाती थी वहाँ पे, ट्यूशन वगैरह के फ्रेंड्स मिलके ऐसे हम वहाँ जाया करते थे। अब भी जाऊँगी किसी टाइम और फिर वहाँ का भी ब्लॉग आपको देंगे। मुझे किसी ने बोला था इंडिया गेट का भी ब्लॉग बनाना है, सो या मैं घर वाले मेरा टाइम निकाल लें, फिर उनके साथ जाके हम इंडिया गेट भी घूम के आएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया आप फेसबुक पे हो? ओके, सो मैं एक चीज से आपको अवेयर कर दूं, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ उन सबके लिंक आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएंगे, जैसे फेसबुक का लिंक हो गया, स्नैपचैट का हो गया, फेसबुक का हो गया, इन यूट्यूब का हो गया, इन सब के आपको लिंक मेरी प्रोफाइल में मिलेंगे। उसके अलावा कोई इधर उधर आपको मिलता है तो मैं उस पर कोई मेरी मतलब उस पेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानती, फेक अकाउंट भी बहुत सारे हैं, लोग बना के मुझे ब्लॉक मार देते हैं। सो या बी अवेयर फ्रॉम फेक वंस, और जो मेरे अपने ऑफिशियल हैं उनके लिंक मेरी प्रोफाइल में, उनके नाम मेरी प्रोफाइल में आपको मिल जाएंगे। सो हाँ, मैं फेसबुक पे हूँ, उसका लिंक मेरी बायो में है, यूट्यूब और फेसबुक दोनों का है। स्नैपचैट का मेरी हाइलाइट्स में, वो स्नैपचैट वाला पड़ा ना, वो गोलू सा गोला सा, उसको टच करना। और एक स्नैपचैट पे मेरे नाम से फेक अकाउंट भी बना हुआ है, उसको उसके शायद 200 कितने फॉलोअर्स हैं, वो मेरा नहीं है, वो फेक है। जो मेरा स्नैपचैट अकाउंट है उसपे मैं खुद बोल के आप लोगों के स्टोरीज के रिप्लाई देती हूँ, सो वो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, उस पर 26-27 के समथिंग है, पर जो जिसके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज्यादा है वो वाला मेरा नहीं है, कम वाला मेरा है। अब क्योंकि आप अपने फेक को ज्यादा प्रमोट कर दिया तो सजेशन में आपको वही पहले दिखता है, वो मेरा नहीं है। सो या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद होम यू वॉन्ट टू मेक अ म्यूजिक वीडियो? ओके, सो सबसे पहले उस को एक्टर को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको एक तो वो हैंडसम हो, लड़का हो तो, और लड़की हो तो ब्यूटीफुल, मतलब ट्राई करेंगे लड़का ही हो, ठीक है। और सेकंड थिंग, उसको कैमरा फेस करना आना चाहिए, मतलब वो एक्सपीरियंस हो उसको, चाहे मेरे से पहले, मतलब मेरे साथ काम करने से पहले, चाहे उसमें एक गाना क्यों ना कराओ, पर उसको एक्सपीरियंस हो और सुंदर हो बस।
और कुछ नहीं चाहिए। बाकी हाल फिलहाल मेरा ऐसा कोई प्लान है नहीं कि मैं म्यूजिक वीडियो में आऊं, बट अपनी ये डिमांड है कि ऐसा चाहिए। दी आप लाइव क्यों नहीं आते? मैं लाइव क्यों नहीं आती ये मुझे भी नहीं पता, मैं लाइव क्यों नहीं आती, बट हाँ मैं ट्राई करूंगी इस बार अपने बर्थडे पे लाइव आऊं, क्योंकि मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। आपके साथ इस बार ट्राई करूंगी बर्थडे सेलिब्रेट करें और केक कटिंग करें। डन डन, याद दिला देना बस मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का कि दी आप आईलेट्स क्यों नहीं करते, बाहर क्यों नहीं जाते? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे को इंडिया ही बढ़िया लगता है, और जाना होगा तो कभी हम घूमने वगैरह चले जाएंगे, पर वहां परमानेंट के लिए कभी नहीं सोचा मैंने। ओके, सो अपना घर का यहाँ का काम ही नहीं खत्म होता, वहां जाके तो बाहर का काम भी करो, फिर आके घर का काम भी करो, फिर खुद ही पका के खुद ही खाओ, तो ये अपने से अभी तो नहीं होता, यहाँ अपना आप ही संभाला जाता अभी। सो अभी कोई प्लान नहीं है मेरा। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपना प्यार बहुत 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 सारा प्यार दिखा देना, घर में जितने फोन है सबसे सब्सक्राइब कर दो। ओके, सो वैसे हमारे 58K हो गए हैं, ये इस साल तक अपने को मेरे बर्थडे पे मेरे को 100K का गिफ्ट दे दो बस, आप सब मिलके, और कुछ नहीं चाहिए। और किसी चीज का बुरा लगा हो उसके लिए सॉरी, जो अच्छी लगी हो कमेंट में बता देना। सो हम करते हैं एंड, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।